ग्लोबल हाईटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम पाइप फिटिंग के जो दो टूल्स हैं हमारे उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो दोनों टूल्स हैं आपके कहाँ यूज होते हैं, पाइप फिटिंग में यूज होता है फिटर के लिए। तो पाइप फिटिंग के दो रिंच हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो पहला है आपको ये दिख रहा होगा इसको पाइप रिंच कहते हैं, या फिर एक दो नाम और है इसके, एडजस्टेबल पाइप रिंच या फिर स्टिल्सन पाइप रिंच। हालांकि मैं अभी आगे इस सब नाम जो है आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख करके दिखा दूंगा ताकि आपको एक समझ में आ जाए। और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका चेन पाइप रिंच, इसमें चेन लगी हुई है, आपको चेन दिख रहा होगा, चेन पाइप रिंच है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, जो हमारा वर्कपीस है उस पर हम इसको यूज कैसे करते हैं इस रिंच का। उसके बाद फिर आगे मैं इसका आपको जो है व्हाइट बोर्ड पे इसका नाम वगैरह लिख करके एक एक पार्ट्स का नाम बताऊंगा और दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा हमारा क्या पाइप रिंच है, मैंने बताया पाइप रिंच बोलिए, एडजस्टेबल पाइप रिंच बोलिए या स्टिल्सन पाइप रिंच बोलिए। इसका यूज हम कैसे करते हैं देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टी वाली हमारे सॉकेट है उसमें पाइप लगी हुई है, मुझे इस पाइप को खोलना है। तो इस पाइप को खोलने के लिए जैसा कि आपको ये रिंच दिख रहा है, अब इसके जो जबड़े हैं ठीक है, ये जो हाथ में घुमा रहा हूँ इसे एडजस्टिंग नट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एडजस्टिंग नट, इसको जब घुमाएंगे तो ये जो हमारा मूवेबल जो है वो आगे पीछे मोशन कर रहा है। तो इसको हम इस पाइप में पहले लगाते हैं, उसके बाद अब इस नट की मदद से इसको टाइट करते हैं। ये देखिए मैंने इसको जबड़ों को पाइप पे लगाया और टाइट किया। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसे ओपन करना, इस पाइप को खोलना है। खोलने के लिए क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पे टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज पे घूमती है। देखिए बिल्कुल आसानी से मैं इसको घुमा रहा हूँ और ये पाइप आसानी से बिल्कुल सॉकेट से अलग हो जाएगी, खुल जाएगी। और इसी के विपरीत हम इसे टाइट भी कर सकते हैं, इसको घुमा करके टाइट करने के लिए हम इसे उल्टे साइड से फिर ऐसे पकड़ेंगे और फिर आगे को घुमा देंगे, तो इस तरह से पाइप टाइट भी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा क्या पाइप रिंच का यूज, कि कैसे हम पाइप रिंच को यहाँ पे लगा रहे थे। पहले इसके जबड़े को ढीला कीजिए, पाइप में लगाइए, उसके बाद इस एडजस्टिंग नट की मदद से बिल्कुल इसे टाइट कर दीजिए, हाथ से ही, कोई अलग रिंच की जरूरत नहीं है। यह नट नट दिया हुआ है जो आप जानते हैं नर्लिंग किया होता है, ताकि हम हाथ से ही इसे टाइट और लूज कर सकें। तो ये देखिए बिल्कुल सही टाइट हो गया, अब आप इसे ओपन कर सकते हैं या फिर टाइट करना तो टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पाइप रिंच दिखाया। एक पाइप रिंच क्या होता है, छोटी साइज के लिए 15 mm से 50 mm तक के लिए हम पाइप रिंच यूज करते हैं, और 50 mm से ऊपर की साइज के लिए, 50 mm से 150 mm तक, मतलब 150 mm तक हम चेन पाइप रिंच यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इस जो छोटी साइज की पाइप है तो इस पर अब हम इस चेन पाइप रिंच को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यह कम साइज की पाइप है, या 50 mm से नीचे की पाइप को नहीं खोल सकता या टाइट कर सकता है। 50 mm या उससे अधिक होगा तभी काम करेगा। तो इसलिए मैं इसको बाहर वाइस को ओपन करूंगा और इसको बाहर निकालते हैं और इस पाइप को मैं लगाऊंगा। हालांकि मेरे पास ये भी उस साइज़ का नहीं है, इसको लगभग एक अंदाजे से हम देखते हैं तो इसका जो डायमीटर है लगभग 30 mm ही आ रहा है। कितना है, 30 mm के लगभग है, जबकि इसके लिए हमें कम से कम 50 mm को पाइप चाहिए। तो मेरे पास उस साइज़ का पाइप नहीं है, तो बस मैं इस पर यूज़ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि जो हमारा चेन पाइप रिंच है इसको कैसे हम यूज करते हैं, कहने का मतलब है जॉब पे कैसे लगाते हैं या कैसे पकड़ते हैं। यह भी बड़ी चीज़ है, सब वो सबको नहीं पता होता, अगर मालूम है तो अच्छी बात है, बट कैसे यूज किया जाता है इसको, ठीक है। ये देखिए हमारा चेन पाइप रिंच है, ये चेन है, नाम से इसमें कोई वैसे रटने वाली तो चीज़ है नहीं, चेन देखती है आप समझ जाओगे भाई चेन पाइप रिंच है और पाइप पे यूज होता है। और इसका हेड होता है, हेड पे देख रहे हैं टीथ टाइप का कटा हुआ, क्या कटा हुआ है, टीथ कटा हुआ है। टीथ क्यों कटा हुआ, जिससे कि पाइप में ग्रिप बन सके, नहीं तो वैसे नॉर्मल होता, अगर प्लेन होता तो पाइप स्लिप कर जाती ना, तो इस पर टीथ कटा होता है, इसे हेड बोलते हैं। हेड है, कैसा हेड है, टीथ वाला हेड है। क्यों टीथ कटा हुआ है, जिससे कि पाइप पे ग्रिप बन सके, ग्रिप मतलब पकड़ मजबूत हो सके, ठीक है। तो इसको हम हमेशा जो टीथ कटा होता है इसको पाइप के ऊपर रखते हैं, ठीक है। यहाँ हमने इसके ऊपर रखा और इस चेन को इधर से घुमा करके, ये टीथ मैंने ध्यान रखना है आपको, हमेशा टीथ जो रखेंगे पाइप के फेस पर रखेंगे, ताकि टीथ संपर्क में रहेगा पाइप के तो स्लिप नहीं करेगा, इसीलिए टीथ कटा हुआ, ताकि ग्रिपिंग पावर बढ़ सके। अब चेन को यहाँ पे लपेटते हुए इसके बीच में जो जॉ है इसके, देखिए यहाँ ऊपर स्लॉट टाइप का बना हुआ है, ठीक है, इसमें इसको फंसा देते हैं। ये जो स्लॉट टाइप का बना हुआ है आपका, तो देख रहे होंगे आप, ये हमने पाइप पे लगा रखा है। तो इस तरह से जैसा मैंने बताया, जो इसकी टीथ कटा हुआ है जो पाइप के ऊपर रहेगा फेस पे, ताकि ग्रिप बन सके, और ये चेन हमारा ऐसे लपेट करके नीचे से आया हुआ, देख रहे होंगे आप चेन कहाँ नीचे से आया हुआ पाइप के, और इसमें जो चेन है हमारा ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लॉट टाइप का घाट बना हुआ है, ताकि इसमें फंस जाए और स्लिप ना करे। देखिए एक ग्रिप में बिल्कुल सही है, चेन जाके यहाँ बैठ गया और दूसरा वाला हिस्सा इस पर आके इसके अंदर चला गया। अब क्या हो गया, अब यह स्लिप होकर इसमें बाहर नहीं गया, यहाँ घाट में यह फंस गया आगे और पीछे दोनों, अब यह क्या होगा, यहाँ से स्लिप नहीं करेगा। अब
अब इसकी मदद से हम आसानी से पाइप को टाइट या लूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया 30 mm की पाइप है, जबकि पाइप रिंच हम 50 mm से 150 mm के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इस पर यूज नहीं कर सकते। जो आपकी बोरिंग वगैरह के लिए जो पाइप वगैरह यूज होती है, बड़े साइज की पाइप है जो भी 50 mm से ऊपर है, उनको हम इस रिंच की मदद से बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा पाइप पे कैसे यूज करना है, चीज मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारे पास ये दोनों रिंच है, मैं इनका जो पार्ट्स का नाम है उसको व्हाइट बोर्ड पे इसलिए बताऊंगा ताकि लिखा हुआ रहेगा और मैं बोलूंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखिए मैंने बताया था पाइप रिंच जिसको बोलते हैं, या स्टिल्सन पाइप रिंच बोलती हैं, एडजस्टेबल पाइप रिंच बोलते हैं। ठीक है, यह कितने साइज के लिए यूज किया जाता है, तो यह यूज किया जाता है आपका 15 mm से 50 mm तक के लिए, 50 mm से ऊपर के लिए, मतलब 50 से 150 mm के लिए हमारा चेन पाइप रिंच यूज होता है। उसके बाद किस मटेरियल का यह बना हुआ है, तो यह बना हुआ है हमारा कास्ट स्टील का, यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा जो भी पॉइंट है आपका। अब इसके पार्ट्स के नाम देखते हैं। पहला क्या है, हैंडल। हैंडल क्या है, तो ये बिल्कुल आसान चीज़ है, किसी भी चीज़ को जिसको हम पकड़ करके यूज करते हैं वह हैंडल कहलाता है, तो ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है स्प्रिंग, तो इसमें हमें ध्यान देना है इसमें दो स्प्रिंग है। कैसी स्प्रिंग है, लीफ टाइप, लीफ मतलब पत्ती टाइप का, कैसा पत्ती टाइप का, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि पत्ती टाइप का, यहाँ पे इसी को स्प्रिंग बोल रहा है, जो पत्ती टाइप की चीज़ दिख रही है ना, चौड़ी सी पत्ती, ठीक है। और एक नीचे भी है, एक नीचे भी पत्ती यहाँ लगी हुई है, आपको दिख रहा होगा नीचे पत्ती लगी हुई है और एक ऊपर, यही दो क्या है, दो स्प्रिंग है इसमें, एक नीचे भी है एक ऊपर ही भी है। किस टाइप की स्प्रिंग है, पत्ती टाइप की, तो इसी को स्प्रिंग बोलता है इसमें पार्ट्स का नाम। अगला देखेंगे, अगला 3 नंबर पे आपका पीवट। पीवट क्या है आपका, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जो निशान बना हुआ है रिविट टाइप का दिख रहा है पीवट, या इस साइड से मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो देखिए यहाँ पे रिविट टाइप का, इसी रिविट को क्या पीवट बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर है एडजस्टिंग नट। एडजस्टिंग नट क्या है, जिसकी मदद से हम जबड़े को एडजस्ट करते हैं, जो नट है आप इस नट को घुमा रहे हैं तो जबड़ा क्या है, साइज इसका बढ़ रहा है, जबड़े का जॉ का जो साइज है अधिक हो रहा है, या इसकी मदद से कम भी कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टिंग नट बोलते हैं। इस पर ध्यान से देखेंगे आपको, तो इस नट पर क्या नर्डलिंग किया गया है, कौन सा नर्डलिंग है, तो क्रॉस में नर्डलिंग आपको दिख रही है, ये डायमंड नर्डलिंग है। कौन सा नर्डलिंग है, डायमंड नर्डलिंग है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर है मूवेबल जॉ। मूवेबल मतलब जो मूव करे, मूव करने का मतलब जो चल रहा हो, तो नट को जब हम घुमा रहे हैं तो कौन सा चीज़ चल रहा है आपको दिख रहा होगा आपके सामने, फिर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो यह मतलब यह वाला हिस्सा आगे पीछे मूव कर रहा है, तो यह हमारा मूवेबल जॉ हो गया, और यह वाला हिस्सा फिक्स रहता है, तो इसीलिए इसको फिक्स जॉ बोलते हैं। तो यह हो गया इसके पार्ट्स का नाम, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं, ये तो हमारा क्या पाइप रिंच वाला होगा किस साइज के लिए था, और दूसरा हमारा जो चेन पाइप रिंच है आपको ये दिख रहा होगा बड़ा सा, ये भी है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो चेन पाइप रिंच जो है हमारी, कौन सी पाइप रिंच है, चेन, क्योंकि इसमें चेन लगा हुआ है, तो यह चेन पाइप रिंच हो जाएगा हमारा। चेन पाइप रिंच किस साइज के लिए है, तो ये 50 mm से 150 mm के लिए होता है। किसके लिए होता है, 50 से 150 mm के लिए होता है हमारा चेन पाइप रिंच, जबकि ये छोटे साइज के लिए था, उससे बड़े साइज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये आपकी चेन लगी हुई, इसमें जो बड़ा वाला पार्ट है इसको हैंडल बोल देते हैं भाई, इसको पकड़ के यूज करेंगे, जिसको पकड़ के यूज करते हुए हैंडल होता है, तो बड़ा वाला पार्ट हैंडल है। और आगे इसका हेड आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया था हेड में टीथ कटे होते हैं, तो ये बोल सकते हैं कि टीथ के साथ हेड है इसका, और ये इसलिए जिससे कि ग्रिपिंग पावर अच्छी रहे। और उसके बाद ये आपका चेन है, और चेन में जो आपका दिख रहा है आपका ये रोलर है, जो चेन फंसी हुई है किसकी मदद से फंसी हुई है आपस में, तो इसको रोलर बोलते हैं, रोलर की मदद से चेन आपस में फंसी होती है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को चाहते हैं कि मतलब ऐसी वीडियो आपको मिले पर्टिकुलर, मतलब एक एक हैंड टूल्स के नाम पे उनका यूज कैसे करते हैं और क्या भी चीज़ें हैं जो भी है पूरा डिटेल में, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है। तो हम जो भी फिटर में जितने भी टूल्स हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कॉलेज में सारे वर्कशॉप में सब टूल्स अवेलेबल है, मैं एक एक टूल्स का जो है ऐसे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उनका यूज भी कैसे किया जाता है वो दिखा करके, उनके पार्ट्स का क्या नाम है और उनकी जो डिटेल है किस चीज मटेरियल का बना है क्या चीज़ है। क्योंकि आप लोग एग्जाम वगैरह देते होंगे तो आपने देखा होगा अक्सर इन सब टूल्स वगैरह से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि किस साइज के लिए यूज किया जाता है या किस मटेरियल का बना होता है, पार्ट्स का नाम पूछ लेता है। तो एक होता है कि किताब में देख करके रटना और एक होता है लाइव देख लेना। तो इससे क्या, लाइव पे आपने चीजें देख ली, मुझे जहां तक उम्मीद है आपने इसको देख लिया, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको याद भी रहेगा, किताब में पढ़ोगे रटोगे भूल जाओगे। तो अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, तो हम जरूर इस पर काम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।